मतलब 10th का हमारा रिजल्ट आया तो आई फाउंड लाइक साइंस डिफिकल्ट। मेरे साथ तो जितने भी बंदे हैं लाइक सारे वो तो सारे टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज हैं, सारे ऑलमोस्ट हाँ NITNG हैं। जो हमारा टेस्ट का प्रोसेस होता है वो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, और आप कितने भी बार टेस्ट दे सकते कि हम ये 10 क्वेश्चन, भैया हमें 10 क्वेश्चंस बता दो, हम 10 क्वेश्चन पढ़ लें, आपके इंटरव्यू में जो पूछा हो। या पूछा गया राइट था वही मेरे को बता तो दो। उधर से मेरे को फोटोज भेज रहे थे कि अरे देखो तो आपका पोस्टर लगा हुआ है, तो तब मैं देखने गया तो फिर मैंने पापा को बताया। हाँ सच में, क्योंकि मेरे को सुन के ऐसे गूजबम्स आई कह रहे हैं कि कैसा वो सीन हुआ होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज की ये पढ़ लो वीडियो में कैसे बंदे से मिलाने वाले हैं ना, उस नेम है सार्थक जोशी, वो एक बीकॉम ग्रेजुएट है और उसने कैसे अपने क्या नाम है पैशन को फॉलो करते हुए अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुसा और ब्लू स्टैक्स में भी काम कर रहा है। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, शेयर शेयर में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो स्टॉक्स में इसकी वीडियो आ चुकी है, डेफिनेटली सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुका है, आज डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और आपके लिए वीडियो आ रही है डेफिनेटली आपको वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत से नॉन टेक ग्रेजुएट टेक्निकल में घुसना चाहते हैं, ये वीडियो सबके लिए है, कोई टेक्निकल ग्रेजुएशन है, कोई नॉन टेक ग्रेजुएशन है, सबके लिए ये वीडियो है। डेफिनेटली वीडियो देखना, लाइक करके नीचे कॉमेंट करना। आई नो बहुत ढेर सारे लोग वीडियो नहीं देखोगे, लाइक नहीं करोगे, आई नो दिस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डेफिनेटली आपको सपोर्ट चाहिए, चलो स्टार्ट करो। सो हाय हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद सार्थक जोशी, एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ भाई कि आप लोग बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हो ना जो ये पूछते हो कि भाई नॉन टेक से टेक में कैसे घुस सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कैसे घुस सकते हैं। आज उसका प्रॉपर सारी चीजें पता लगने वाली है, स्टेप बाय स्टेप। वी आर विद सार्थक जोशी। मैं क्या खुद ही सार्थक, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस प्लीज। या सो हेलो ऑल, सो माय नेम इज सार्थक जोशी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम डीएवी देहरादून एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ब्लू स्टैक्स। ओके, सो बेसिकली जैसे यू वर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, ओके, सो हाउ मतलब इंटरेस्ट वगैरह कैसा जगह, हाउ यू केम इनटू दिस फील्ड, लाइक हाउ इट हैपेंड। सो बेसिकली क्या था कि कंप्यूटर्स का तो मेरे को बचपन से ही काफी लाइक मैं इंटरेस्टेड रहता था कंप्यूटर्स में एंड थोड़ा ट्वीकिंग करना उसके साथ। सो उसके बाद जब हमारी मतलब 10th का हमारा रिजल्ट आया तो आई फाउंड लाइक साइंस डिफिकल्ट। तो साइंस मेरे लिए मेरे को लगता था काफ़ी डिफिकल्ट है एंड आर्ट्स में मेरे को नहीं जाना था। सो मैं का लाइक हम कॉमर्स में चले जाते हैं एंड कॉमर्स के साथ मैं हमारे स्कूल में एक ऑप्शन होता था इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का IP। तो बेसिकली उसमें हमें वो लोग जावा पढ़ाते थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऑप्ट कर लेता हूँ तो मेरा कंप्यूटर में भी लाइक और मैं थोड़ा रिफ्रेश्ड रहूँगा एंड मेरे साथ साथ चलते रहेगी। तो उसके बाद जैसे मैं आया एंड 11th 12th में इट वाज गोइंग गुड, कंप्यूटर में मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ आ रही थी। तो वहाँ से जब अब मैंने कर ली थी और पूरी 12th अपनी कॉमर्स में, सो अब वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास कि मैं आगे करियर कंप्यूटर में किस तरीके से परस्यू कर सकता हूँ, कि ऑब्वियसली बीटेक तो मैं नहीं कर सकता था क्योंकि वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीकॉम में, यही मेरे सिटी में ही था एंड साथ साथ ही मैंने कोडिंग के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। तो 11th 12th से बेसिकली मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जागा था कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे को जावा एंड डेटाबेसिस के बारे में पढ़ाया था MySQL के, तो वहाँ से मेरा काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया था मैं इस चीज़ को लेकर। सो या तो मतलब जैसे एक डाउट यहाँ पे मेरे को आ रहा है जो बहुत से लोगों को आ रहा होगा, दैट इज मतलब डिफिकल्ट नहीं हुआ क्या जैसे कॉमर्स से हो, उसके बाद फिर बिकॉज कुछ कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो रिलेटेबल थोड़े होते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा कुछ लगा क्या तुमको? हाँ तो हमारे में क्या होता था कि 11th में हमारे को लकीली हमारे जो टीचर थे वो काफ़ी अच्छे से हमारे को कॉन्सेप्ट समझा देते थे एंड मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट भी था उस चीज़ को लेके, तो मेरा एप्टीट्यूड था ही, तो मैं उस इजीली लाइक उसको ग्रैब कर लेता था एंड अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आती थी तो 2 to 3 times अगर मैंने उसको देख लिया तो हाँ मेरे को ईजिली समझ आ जाती थी कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है इस कंसेप्ट में। सो या ओके, सो बेसिकली मतलब फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हो गए तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं हुई, बेसिकली यही है। क्योंकि या आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो 4 इंटरव्यू के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, बट हमारा फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर है, वो याद कर हाँ लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा फंडामेंटल्स देखा होगा, तुमने खुद देखा होगा, जो बेस नहीं हमारा क्लियर है तो फिर आगे कहाँ से चीजें बढ़ेंगी। फिर हाँ मतलब चीजें आगे, फिर अगर मान लो एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी में जाना है तो फिर प्रॉब्लम, उसके बाद क्योंकि हमारा बेस ही नहीं क्लियर है, तो बेस क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली हाँ जैसे हमारा बेस क्लियर हो गया, उसके बाद फिर तुमने क्या किया कि
पढ़ाई वढ़ाई मतलब ये जैसे एक बेसिकली टेस्ट दिया तुमने री लेवल वाला, जो री लेवल के थ्रू तुम्हें पेश हुए, तो कैसे मतलब प्रिपेयर वगैरह कैसे किया सारा, मतलब अगर थोड़ा सा ब्रीफ बता दो तो इजी होगा सबके लिए समझना। तो मैंने क्या किया था कि मैं ज़्यादातर, मेरे पे सारी रिसोर्सेज फ्री थी एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑन इंटरनेट, तो आप लर्न तो देखो कहीं से भी कर सकते हो। बट अगर मैं स्पेसिफिक रिसोर्सेज के बारे में बताऊँ तो मैंने यूडेमी से अपने सारे कोर्सेज लिए थे। मैंने अब तक जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं सारे यूडेमी से ही पढ़े हैं और कहीं से नहीं पढ़े, ठीक है। एंड मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता था, जैसे वेब डेव सिंप्लीफाइड एक यूट्यूब चैनल है, वो आपको हेल्प कर देगा आपका जावास्क्रिप्ट, CSS में, HTML में। ट्रैवर्सी मीडिया है, ये वो भी आपको हेल्प कर देंगे इसे आपका CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट में। केविन पॉवेल है, वो CSS का काफ़ी अच्छा CSS बताते हैं। एंड फायरशिप भी आपको मिल सकता है, वो वहाँ पे भी आपको मिक्स कंटेंट मिलेगा एक वेब डेवलपमेंट से। सो मैंने यहाँ से फॉलो किया था। एंड जो मेरे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे एंड जो मैं प्रोग्रामिंग की चीज़ें करता था, अपने क्वेश्चन सॉल्व करता था, वो मैं प्रैक्टिस करता था लीट कोड पे। इसके अलावा मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे और कुछ नहीं किया, ठीक है। लीट कोड पे मैंने क्वेश्चंस किए थे सर। सो या और मैं रेगुलरली यही करता था फॉलो, तो उससे मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि कहीं कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। तो आप रेगुलरली, ये नहीं कि आप जैसे यूडेमी के कोर्सेज आप ले रहे हो तो आप उनको खत्म ही नहीं कर रहे, नहीं, आपको पूरे खत्म करना है। आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लीट कोड पे आप जब कोर्स आप देख लो, आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो लीट कोड पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। एंड आपको जब पूरा, आपको ये पूरा वेब डेव कम्युनिटी से अपडेट रहना, तो यू कैन फॉलो दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो दे विल पोस्ट लाइक, वो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं चीज़ें पोस्ट। तो या हाँ, दिस विल बिकॉज हेल्प यू होता क्या अलॉट। है ना कि हम लोग कई लोग अभी भी वीडियो देख रहे होंगे जो समझ ऐसे यूडेमी के अकाउंट में ना ढेर सारे कोर्सेज रखे होंगे और उनको देखे नहीं होंगे। भाई उसको रखने से कुछ नहीं होगा, सीखते रहो, चीजों को सीखो थोड़ा बहुत, मतलब जब टाइम मिले बैठ के। अभी तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम होता है, भरपूर टाइम होता है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला, ये आप लोग समझ लो। ठीक है, वही मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा, उसमें पढ़ लो आराम से, कंसिस्टेंसी बना के रखो, दैट इज द ओनली की। तो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मैं थोड़ा सा स्टोरी को पीछे लेके जाऊंगा एंड आप हाँ, 12th में ओके। कंटिन्यू करता हूँ। कि जैसे मैं BCom में आया, तो मैंने ना साथ ही साथ, मेरे को काफ़ी सारा इंटरेस्ट वहाँ पे बन चुका था। तो मैं अपने लाइक फ्रेंड के साथ था एक बार, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए, तो मैंने सोचा कि हम लोग फाइल शेयरिंग का एक एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना। ओके, हाँ। क्योंकि हम आपको फाइल शेयर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस वक्त पे 11th 12th में थोड़ी बहुत जावा पड़ी हुई थी, तो बेसिक्स तो पता थे, तो अगर हम थोड़ी और वीडियोस वगैरह देखते थे तो समझ आता थी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद हमने उस सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर मैंने BCom के साथ ही चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरे दिमाग में उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी कि अरे मैं BCom कर रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये सब, मैंने वो नहीं सोचा। मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है, अब मैं पैशनेट हूँ उस चीज़ के लिए तो मैं करूँगा बस। बाकी और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि आगे ये मेरा ऐसा करियर टर्न आउट होगा या फिर नहीं होगा, ये मेरे कुछ भी दिमाग में नहीं था, ठीक है। फिर मैंने चीज़ें साथ साथ पढ़ना चालू कर दी एंड मैं 3 ईयर्स अपना पूरा थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ BCom मैं पढ़ता रहा, लाइक फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे कुछ वक्त बाद री लेवल के बारे में पता चला थ्रू अ यूट्यूब वीडियो। तो फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर में जब मैं अपने BCom के था, तो फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के भी क्वेश्चन काफ़ी करने लग गया था मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में लोग पूछते हैं। फिर उसके बाद मैंने लाइक री लेवल का एग्जाम दिया। ओके, हाँ, मतलब क्या जैसे ये प्रोसेस, जैसे राउंड बाय राउंड कैसे हुआ चीजें, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा सही रहेगा, लाइक हल्का सा आता है कि इंटरव्यू में बेसिकली क्या पूछ लेते हैं ऐसा। जैसे ब्लू स्टैक का तुम्हारा हुआ होगा तो लेवल क्या, जैसे कंपनी काफी अच्छी है, ठीक है, ब्लू स्टैक एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बेसिकली। ब्लू स्टैक के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो एक शॉर्ट में बता दूं मैं, दैट इज बेसिकली अगर आपने आपने बेसिकली वो एप्लीकेशन यूज किया होगा, ठीक है, वो एक ऐसी कंपनी है ना, पहले मैंने खुद यूज किया ब्लू स्टैक्स को, मैं बहुत पहले से जानता हूँ और एक ऐप के थ्रू ही जानता हूँ कि हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना वो हम लोग अपने लैपटॉप पे चलाते थे, जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप हो गया, पहले नहीं चलता था, अब तो बहुत ढेर सारी इंटीग्रेशन आ गई हैं, बहुत ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं, पहले मोबाइल के ऐप्स डायरेक्टली तुम लैपटॉप चला सकते थे, तो तभी से मैं ब्लू स्टैक का नाम तभी सुना था। तो मतलब जैसे वही चीज बोल रहा हूँ कि कैसा इंटरव्यू कैसा हुआ, कि डिफिकल्टी कुछ नहीं हुई या इंटरव्यूअर में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई बीकॉम से होने के बावजूद कैसे मतलब इस फील्ड में। तो इंटरव्यू, अगर मैं जैसे री लेवल का मैं इंटरव्यू बताऊँ, तो री लेवल का इंटरव्यू लाइक हमारा बिगिनर टू इन समवेयर अराउंड इंटरमीडिएट के अराउंड था। तो वो लोग बेसिक बेसिक ओके क्वेश्चंस पूछते हैं सब इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में,
एंड मैं जैसे फ्रंट एंड में था इन्वॉल्व, तो मेरे से फ्रंट एंड के जावास्क्रिप्ट के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो री लेवल का इंटरव्यू तो सिंपल था. एंड ब्लू स्टैक्स में हमारे 3 राउंड हुए थे प्लस 1 HR का राउंड हुआ था. तो फर्स्ट राउंड में भी मेरे से JS के कंसेप्ट पूछे गए थे. सेकेंड राउंड हमारा DSA का होता है. एंड थर्ड में लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट को मिक्स होता है. तो वो हमारा था. एंड इंटरव्यू लेवल इज लाइक इंटरमीडिएट आप कह सकते हो उसको. JS के इंटरमीडिएट आपसे कंसेप्ट पूछे जाएंगे वहां पर. तो ये रहता था. मतलब ये सारा ये प्रोसेस था, मतलब एक ब्रीफ प्रोसेस, क्योंकि पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई, अगर आपको देखना है जाके देख सकते हो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। और एक चीज और, दैट इज जैसे अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ब्लू स्टैक्स, ठीक है, तो मतलब कंपनी में कैसा रह रहा है, सीन कैसा रह रहा है, लाइक आपके साथ भी कई लोग होंगे जो बीटेक वाले होंगे, तो कैसा मतलब सीन कैसा रह रहा है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। मेरे साथ तो जितने भी बंदे हैं लाइक सारे वो तो सारे Tier 1 Tier 2 कॉलेज हैं, सारे ऑलमोस्ट NIT NG हैं. तो उन वो लोग काफी वेलकमिंग है. उन लोग काफी अमेज रहते हैं कि अरे अच्छा मतलब आप लाइक कॉमर्स से इधर आ गए हो. तो मतलब वो काफी अमेज है कि अरे काफी अच्छा किया, मतलब आपने अपना पैशन नहीं छोड़ा एंड कंटिन्यू किया इस बात में. सो वो लोग काफी वेलकमिंग रहते हैं इस चीज को लेकर. तो वो काफी अच्छा है वहाँ पे इन्वायरमेंट. एंड काम भी बहुत अच्छा है. बिकॉज लाइक आपको हाँ 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 फीचर्स प्लीज वगैरह पे मेरे को काम अच्छे फीचर्स पे काम करने को मिलता है तो मजा आता है. सही है, मतलब सीखने को काफी कुछ मिल रहा होगा, और ऐसा नहीं ना हाँ है कि सीखने को बहुत मिलता लाइक बिकम बीइंग अ बीकॉम ग्रेजुएट कोई प्रॉब्लम हो रही हो काम में, या कोई ऐसी दिक्कत हो रही हो। है. नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती. अगर कोई कभी मेरे को लगता भी है कि जैसे मैं अभी मैंने शुरू ही किया अपना कॉर्पोरेट करियर, तो अगर कभी कोई हाँ दिक्कत आती है तो टीम इज वेरी हेल्पिंग एंड वो काफी हेल्प करते हैं. ओके ओके, मतलब ऐसा नहीं तो है उससे कोई वो, प्रॉब्लम मैं नहीं. इसलिए ये क्वेश्चन आज तक आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा ऐसे इतने घुस घुसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि सामने वाले बंदे जो देख रहे होंगे ना, वो हो सकता है नॉन टेक से, बिकॉज नॉन टेक वाले ज्यादा ये वीडियोस देखेंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने थंबनेल में मेंशन कर दिया है, तो नॉन टेक वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे चीजों को, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग, क्योंकि ना बहुत ढेर सारे लोग रीच आउट करते हैं मेरे को, यही चीज पूछते हैं कि हमें काम में दिक्कत नहीं आएगी, हमें इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी, हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो सारी चीजें जैसे सार्थक बता रहे हैं वैसे ही होता है, चीजें बताई जाती हैं, ऐसा नहीं आपको एकदम से डाल दिया जाएगा इस चीज में, यू विल बी गेटिंग ट्रेंड, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो बेसिकली जैसे ये प्रोसेस वगैरह था पूरा, ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस आपसे हुआ, आपका टेस्ट हुआ, तो इसमें कुछ पैसे वैसे लगे या कुछ ऐसा कोर्स वोर्स कुछ लिया था क्या? नहीं, मैंने रीलेवल वैसा कोर्स ऑफर करता है डिफरेंट डोमेन्स में, बट मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था. एज आई लाइक मेंशन अर्लियर कि मैं लाइक शुरू से ही तैयारी कर रहा था, तो उनको कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी. और हाँ जो हमारा टेस्ट का प्रोसेस होता है वो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री और आप कितने भी बार टेस्ट दे सकते. तो जैसे आप आपसे कोई पूछे कि लाइक इफ यू विल रिकमेंड दिस टेस्ट टू एनीवन, व्हाट विल बी योर व्यूज, या आप कुछ अपने तरफ से शेयर करना चाह रहे हो, लाइक कुछ ऐसा शेयर करना चाह रहे हो जो आपको अभी लगता है कि हाँ भाई मेरे को फर्स्ट ईयर में पता होता, मेरे को सेकेंड ईयर में पता होता तो मेरे को ज्यादा फायदा हो सकता था, तो डेफिनेटली प्लीज शेयर दैट। तो अभी तो ऐसा है कि सर री लेवल में तो आप जैसे मैंने बता ही दिया कि आप काफी बार दे सकते हो अपना टेस्ट. एंड आप तो मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर से अगर आप भी यहाँ पे जो मेरे को समझ आया कि एक हमारे को कॉन्स्टेंटली हमारी लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए. एंड हमें मतलब ये नहीं है कि हम किसी शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं कि अरे ठीक है हम यहाँ पे इतने थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं बस, ठीक है हमारा किस तरीके से इंटरव्यू निकल जाएगा तो ये हो जाएगा. तो ये मैंने मतलब अपने थ्रू आउट द जर्नी ये चीज़ सीखी है जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था. कि मतलब बच्चे होते हैं कि ठीक है किस मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं बस वो सोचते हैं फिर हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वेरी डिफरेंट थिंग कि हाँ ठीक है हम लोग DSA के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो चीज़, और रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये मेरे को लगता है अपने मैंने थ्रू आउट ये चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा. तो मैं जैसे मैंने भी अपने कंटिन्यू हमेशा मैंने लर्निंग पे ही ज़्यादा फोकस किया. मैं कोई शॉर्टकट्स वगैरह नहीं ढूंढता था और ऑल्दो मैं उसके लिए पैशनेट भी था तो इसलिए मैं कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा हूँ. बट जनरली मैं तो बच्चों को ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कीप फोकस ऑन योर लर्निंग. आप फोकस करो अपनी लर्निंग पे एंड देन विल गेट द रिजल्ट्स. सो या हाँ डेफिनेटली, बिकॉज होता आजकल आप लोग देख रहे होगे, बहुत से ऐसे देख रहे होगे लाइक कि हम ये 10 क्वेश्चन, भैया हमें 10 क्वेश्चन बता दो, हम 10 क्वेश्चन पढ़ लें, आपके इंटरव्यू जो पूछा गया था वही मेरे को बता दो, कि मैं 10 पढ़ लेता हूँ, हो सकता है मेरे से वो पूछ दिया गया 5 बता के मैं क्लियर कर लूंगा, फिर भाई जब आप कंपनी में घुसोगे तब क्या करोगे।
ठीक है, कंपनी में घुसोगे तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की कि भाई अगर ये बंदा ये इंटरव्यू क्लियर करके आया तो इसके पास ये नॉलेज होगी। तो फंडामेंटल्स आप लोग लर्निंग्स पे फोकस करो, दैट इज तीन चार चीज पढ़ो, जैसे सार्थक भी वही चीज बता रहे हैं, दैट इज लर्निंग्स पे फोकस करो, फंडामेंटल्स पे फोकस करो, चीजों को सीखने में आप लोग टाइम लगाओ, ठीक है, दैट विल बी मच बेटर, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा और आप 10 लोगों को गाइड भी कर सकोगे उसमें, ठीक है, तो वही चीज है इसका मतलब। और जैसे अच्छा सार्थक एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज हुई जैसे लाइक ये वाला चीज, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है, इससे आपकी फैमिली भी काफी खुश होगी, दैट इज होर्डिंग्स वाला सीन जो हुआ था, वो घर वर में मतलब कैसा सीन बना था उस समय, जैसे अपन भी एक लाइक आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, राइट, हम भी एक हाँ मिडिल भाई, क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं, मैंने खुद देखा था होर्डिंग्स ना, तो मेरे को लगा था भाई इनके मम्मी पापा कितने खुश हुए होंगे, तो मतलब थोड़ा सा ये चीज बता दो ताकि सामने वाले बंदे का थोड़ा मोटिवेशन बन जाए। तो मैं उसके उसके पीछे की काफी मतलब इंटरेस्टिंग एक जर्नी है, तो मैं बताता हूँ। तो हाँ जैसे क्या हुआ था कि इट वॉज अ रेगुलर मंडे फॉर मी, एंड मैं अपने ऑफिस आवर्स में था। तो मेरे को कॉल आता है लीलावे की टीम से कि वी वांट टू हैव अ फोटो शूट, हम लोग एक फोटो शूट कर रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा या के साथ मतलब तो आप आ जाओगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमको इमिजिएटली, हाँ इमिजिएटली आना है आपको, तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे पहले कोई मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। हमें अगर तो एक नॉर्मल सा फोटो शूट होगा, एंड वो कहीं कहीं पे फोटोज प्रिंट करेंगे या फिर वो जैसे मेल करते हैं री लेवल वाले, तो उनमें फोटोज आती हैं, ठीक है। फिर या वहाँ पे जाके फोटो शूट हुआ, काफी मतलब बढ़िया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग देहरादून आते हैं, एंड मतलब अब आए देहरादून, तो वहाँ पे हमने देखा तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को फोटो खींच के भेजने लगे। तो ओके जो मेरे को फ्रेंड थे, तो पहले उन्होंने सिटी के बाहर से लगने शुरू हुए थे, लाइक जो हमारा आउटस्कर्ट्स हैं, तो उधर से मेरे को फोटोज भेज रहे थे कि अरे देखो तो आपका पोस्टर लगा हुआ है। तो तब मैं देखने गया, तो फिर मैंने पापा को बताया, तो पापा फिर भी गए देखने, तो वो भी उनको बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, तो वो लोग अब का उन्होंने भी काफी पोस्टर्स की फोटो भेज के मतलब पूरे अपने जो हमारा सर्कल है तो उसमें भेजा, तो काफी खुशी हुई घर वालों को। एंड ऊपर से एक वो खुशी पहले वो भी थी कि जॉब लग गई है, तो वो तो हाँ खुशी थी, ऊपर से ये भी एक ऐड ऑन हो गया, तो मतलब काफी मजा आया उसमें। तो वो हाँ प्रोसेस ये भी वैसे काफी सच अच्छा है, था जब वो हम लोग गए थे। हाँ हाँ सच में, क्योंकि मेरे को सुन के ऐसे गूजबम्प्स आए कह रहे हैं कि कैसा वो सीन हुआ होगा कि आप मतलब जैसे मैंने भी इनकी फोटो वाली देखी है बिलबोर्ड वाली, वो इनके फादर के साथ है, ठीक है, आप लोग को भी अटैच कर दिया, देख लो बेसिकली ना अच्छा लगता है, ठीक है, ये सारी चीजें मोटिवेशन के लिए होती हैं कि 10 लोग और देखें, 10 लोग और ट्रायल मारे, 10 लोग और अपना पैशन के पीछे थोड़ा सा लाइक नॉन टेक में घुस गए तो टेक्निकल में भी घुसा जा सकता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आजकल इजी है चीजें, कर सकता है आदमी, बट वही है डेडिकेशन चाहिए। और जो स्टॉक्स पे भी इनका वीडियो आया हुआ था वो भी हो सकता है काफी लोगों ने देखा हो, वो भी काफी अच्छा था, तो यही सारा चीजें हैं, मैं सार्थक को इसीलिए अपने चैनल पे लेके आया ताकि मैं आप लोग को यही चीज बता सकूं, दैट इज इट लाइक यू कैन डू इट, लाइक आप कर सकते हो अगर आप पैशनेट हो किसी चीज के बारे में, डेडिकेशन अगर है किसी चीज के बारे में, आप कर सकते हो, तो यही सारी चीजें, थैंक यू सो मच सार्थक। अगर कुछ लास्ट में कुछ थोड़ा टिप वगैरह देना चाहो कि भाई ये मत करना भाई, कि ये गलती मत करना, बस बाकी सब ठीक है, ऐसे अगर कोई टिप हो अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, फिर हम लोग एंड कर सकते हैं वीडियो को। हाँ, तो मैं देखो यही बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को कि डोंट रन फॉर एनी शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। आप मतलब ये नहीं है कि आप जैसे देखते हो बड़ी बड़ी हमारी जो जितनी भी सारी एमएनसीज हैं या फैंग कंपनीज हैं, ठीक है, दे आर ऑफरिंग लाइक ह्यूज पैकेजेस। सो वो लोग ऐसे नहीं दे देंगे कि आप ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो बस, आपने एक लिमिटेड आपने अपना दायरा बना दिया है, एंड आप उसके कंपनी के अंदर घुस जाते हो, ये ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, एंड आप किसी भी शॉर्टकट के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है। आप आज एक चीज़ पढ़ भी लोगे, यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो फिर आप उसके साथ कैसे डील करोगे। तो डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स। तो यही सारी वीडियो थी, होप सो आपको और काफी मैं कुछ ना समझ में एक होगा। हाँ हाँ श्योर श्योर या सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज कोई और नहीं, ऐड करना चाहूंगा इसमें कि हाँ जो बच्चे अभी लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज की, एंड जिनका अभी प्लेसमेंट सीजन आने वाला, तो मतलब वो ये फियर ना करें कि वो हो लाइक हमारे यहाँ कोई जॉब क्राइसिस है या फिर अरे जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। इंडस्ट्री में बहुत जगह है अभी, तो फिलहाल बहुत ही जगह है, सो कंटिन्यूसली हायरिंग होती रहती है, एंड आपको इस चीज़ के बारे में डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, सो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू विल एस। तो यार, तो राइट, उसे कोई डरने की कोई बात नहीं है।
हाँ सही में, क्योंकि आजकल ना लोगों की कमी है, स्किल्स नहीं है लोगों के पास लिटरली। हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, देखते हैं लोगों को कि हाँ हाँ हमारी टीम में लोगों की जरूरत है, बट वो स्किल सेट नहीं है उसके पास, तो हायरिंग नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम है बस। तो फंडामेंटल्स बनाकर कुछ चीजें सीखते रहो, कंप्यूटर साइंस की फील्ड कभी डेड नहीं होने वाली, आराम से सीखते रहो, आराम से चीजें आप अपने आप मिलती रहेंगी। तो यही सारी वीडियो थी, थैंक यू सो मच सार्थक फॉर गिविंग योर टाइम। लिटरली अभी हम लोग ऑफिस का टाइम खत्म हुआ, हम लोग बैठ के शूट कर रहे हैं, मंडे का दिन ही आज है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्विक, क्या कहते हैं उसको, कैचअप। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली आगे भी कुछ होगा तो ऐसे ही लोगों को लेके आते रहेंगे, आपको चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप लोग आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं आपको, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।